लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आने के बाद एक तस्वीर ऐसी साफ हुई है नीतीश कुमार को लेकर, जिससे अब सबके मन में एक सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार देंगे क्या। हालांकि ये कोई नई बात नहीं होगी कि नीतीश कुमार का मन अगर एनडीए से हटकर फिर इंडिया के लिए बदल जाए, क्योंकि इतिहास में हमने कई बार देखा है पहले भी कि नीतीश कुमार ने वक्त दर वक्त कई बार पलटी मारी है। हालांकि उनका जो सियासी नैरेटिव है वो बड़ा क्लियर है। नीतीश कुमार एक वक्त कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की रेस का ख्वाब जरूर देख रहे थे, उनकी पार्टी भी देख रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के पीएम कैंडिडेट का नाम ऐलान होने के बाद उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ा था। बाद में फिर किसी कारणवश वो एनडीए के साथ आए। अभी फिलहाल बिहार की अगर राजनीति की बात करें, लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आने के बाद जेडीयू 12 सांसदों वाली पार्टी बन गई है। पिछली बार से कम आए हैं, लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार एक किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं एनडीए में। वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुमत का वो जादुई आंकड़ा छूने में विफल रह गई, यानी नरेंद्र मोदी का मैजिक इस बार नहीं चल पाया। अब इस चीज का फायदा एक तरफ साउथ में टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू उठा सकते हैं, दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार भी उठा सकते हैं, 12 सांसद उनके भी हैं। अगर मनचाहा डिमांड उनकी पूरी नहीं की गई, हो सकता है इंडिया के साथ चले जाए। अब इंडिया के साथ जाए भी तो जाए कैसे, इसके पीछे भी जो हम आपको बता रहे हैं इसके पीछे भी कुछ कारण है। जैसे ही लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आए, क्योंकि इंडिया लाइंस की बात करें तो 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है इंडिया लाइंस, यह पता चल रहा था कि शायद इंडिया भी सरकार बना सकती है, वो ऐलान कर सकती है कि हम पेशकश करेंगे इंडिया की सरकार बनाने के लिए। दूसरी तरफ एनडीए की मीटिंग भी हुई थी बीते दिन, नीतीश कुमार पहुंचे थे उसमें, सबकी निगाहें दो नेताओं पर टिकी थी, दोनों ही किंग मेकर हुए एनडीए में फिलहाल सरकार बनाने के लिए, एक टीडीपी दूसरी जेडीयू। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही दिल्ली पहुंचे एनडीए की मीटिंग में। उसके बाद एक तस्वीर तो क्लियर हो गई कि दोनों नेता इंडिया के साथ नहीं जा रहे। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात बीती रात एमके स्टालिन से जरूर हुई थी। नीतीश कुमार भी दिल्ली आए, और दिल्ली कल ही नहीं आए, बीते दिन ही नहीं आए, उन्होंने 3 दिन पहले भी दिल्ली का 2 दिवसीय दौरा किया था। उस वक्त अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कहने पर, उनके कहने पर वो दिल्ली आ गए थे पटना से, और उसके बाद नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह से मुलाकात की, यानी रिजल्ट आने से पहले। जब एग्जिट पोल सामने आए थे, एग्जिट पोल में कुछ जगहों पर बीजेपी को एनडीए को 400 पार दिखा दिया गया, कुछ जगहों पर 350 से आगे दिखाया गया, लेकिन सारे एग्जिट पोल धड़ाम होकर गिर गए, क्योंकि एनडीए 290 के पास ही रही, यानी 292 के आसपास, 240 सीटें बीजेपी को मिली है, 300 के भी ऊपर नहीं जा पाई। लेकिन एग्जिट पोल तो जितने भी पूर्वानुमान थे सब खत्म हो गए। नीतीश कुमार पे सवाल उठने लगे कि नीतीश कुमार क्या एनडीए के साथ बने रहेंगे या इंडिया के साथ चले जाएंगे। उसके बाद कयास ये उठे, सूत्रों के हवाले से खबरें ये आई, मीडिया में चलने लगी खबरें कि शरद पवार ने नीतीश कुमार को फोन कर दिया है, अखिलेश यादव को जिम्मेदारी दी गई है कि नीतीश कुमार को वापस इंडिया ब्लॉक में शामिल कर लिया जाए। हालांकि इंडिया ब्लॉक की शुरुआत नीतीश कुमार ने ही की थी, उन्होंने ही विपक्षी नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया कि एनडीए को हराएं। बाद में नीतीश कुमार का मन बदल गया, उन्होंने पलटी मार दी, एनडीए के साथ चले गए, बिहार में सरकार गिर गई महागठबंधन की, अब एनडीए की सरकार है। लेकिन नीतीश कुमार ने कह दिया है कि हम एनडीए के साथ ही हैं फिलहाल। वो पीछे अगर हम देखेंगे बीते दिन की मीटिंग में क्लियर भी हो गया कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की मीटिंग में आकर इस बात को, पूरे कयासों के दौर को खत्म कर दिया, खारिज कर दिया कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। हालांकि अब अगर हम बताएं आपको, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के कुछ बड़े लीडर्स, आप देखेंगे नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया, नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स पर, और उन्हें सीधे आरोप लगाए। हालांकि नरेंद्र मोदी जब रैली करने बिहार में कई बार गए, एक बार उन्होंने मंच से कह दिया था कि तेजस्वी यादव की बारी अब अगली है गिरफ्तार होने की। हालांकि उन्होंने फिर कहा था तेजस्वी यादव ने कि यह झारखंड और दिल्ली नहीं है, बिहार है, हाथ लगाकर देखिए। हालांकि तेजस्वी यादव ने एनडीए के बड़े बड़े लीडर्स को तो आड़े हाथों लिया, बीजेपी को आड़े हाथों लिया, लेकिन नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तेजस्वी यादव के मन में रहा, आदरणीय सम्माननीय चाचा ही कहकर संबोधित किया। जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था, उन्होंने बिहार विधानसभा में भी कहा था, एक बार बता दिए होते, हम आपको नहीं रोकते, आप चले गए बिना बताए, ये सारी बातें वायरल भी हुई। अब नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने पहले ही थोड़ा थोड़ा ऑफर भी दे रखा है। अब आप देखेंगे बीते दिन जब इंडिया की भी मीटिंग हुई थी, तब चाचा और भतीजा यानी नीतीश और तेजस्वी पटना से दिल्ली एक ही फ्लाइट पर आए, आगे पीछे बैठे, बाद में नीतीश कुमार ने उनको बोला कि साथ आकर बैठिए। अब
एक तरफ लोग सोच रहे हैं कि चलिए कोई बात नहीं, एक ही फ्लाइट से दिल्ली आ सकते हैं, दूसरी तरफ सियासी पंडितों का मानना है ये नीतीश कुमार हैं, और दूसरी तरफ आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव। हो सकता है कि हवा में कोई बड़ी बात हो गई हो, क्या हुई हो यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार का फिलहाल जो एक नैरेटिव है वो क्लियर हो गया है कि वो एनडीए के साथ हैं। दूसरी ओर उनको लगातार ऑफर मिल रहे हैं, हालांकि ये भी बता दिया गया है कि इंडिया की ओर से उनको डिप्यूटी पीएम का ऑफर दिया गया है। दूसरी तरफ एनडीए के अंदर सोर्सेज से पता जो खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से पता चल रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बड़े बड़े मंत्रालय मांगे हैं एनडीए की मीटिंग में। अब क्या कुछ होगा, कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि किंग मेकर की भूमिका अदा करने वाली ये दोनों नेता, खास करके नीतीश कुमार भी, किस तरफ जाते हैं, या एनडीए के साथ ही रहते हैं या आगे कुछ और बड़ी तस्वीर देखने को मिलती है। फिलहाल नीतीश कुमार तो एनडीए के साथ हैं, लेकिन इंडिया के नेता कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक में लाया जाए सरकार बनाने के लिए। क्या कुछ होगा आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आपको कैसी लगी है खबर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कमेंट में जरूर बताइए कि इंडिया और एनडीए के इस फाइट में नीतीश कुमार का रोल क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।